नमस्कार दोस्तों, माहे डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में एयरटेल डीटीएच में फुल इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं वो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये एयरटेल का रिफ्लेक्टर है। इंस्टॉलेशन टूल्स को हमें इस बैग में से बाहर निकाल देना है। इस स्ट्रक्चर को भी हमें इस पैकेट से बाहर निकाल देना है। Thank you.
इस स्टैंड को हमें 90 डिग्री पर लगाना है, तब हमारा प्रॉपर सिग्नल आएगा। तो दोस्तों देखो, मैंने डिश को लगा दी है और उसमें सिग्नल कैसे सेट करते हैं वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें मीटर में से सिग्नल स्कैन में जाकर हमें एयरटेल डीटीएच का ट्रांसपोंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये एयरटेल डीटीएच का ट्रांसपोंडर है 11443 28800 वर्टिकल। इस ट्रांसपोंडर पर हमें सिग्नल सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है और LNB में सेटअप बॉक्स और सैटेलाइट फाइंडर में कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस LNB को हमें LNB की स्क्रू एंगल सेट कर लेनी है। तो एयरटेल DTH की LNB स्क्रू एंगल -50 पर सेट करनी होगी। तो इसी तरह हमें घुमाना है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने LNB की स्क्रू एंगल सेट कर दी है। अब हमें डिश को हल्के हल्के अप डाउन करते जाना है और जहाँ हमारा सिग्नल मिले वहाँ डिश को रोक देना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ आप सिग्नल मिलाने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों इसी तरह हमें डिश को अप डाउन कर देना है। तो दोस्तों देखो, ये हमारा सिग्नल यहाँ मिल गया है और आप यहाँ दिख भी सकते हैं। आपको जूम करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ आपको 70% सिग्नल मिल गया है। एलिवेशन एंगल 40 डिग्री पर सेट होगी। दोस्तों ये दोनों कनेक्टर है, इस कनेक्टर को RG6 केबल में इंस्टॉल करते हैं और साथ में ये बारिश के मौसम में कनेक्टर को जंक नहीं लग जाए, इसलिए कैप भी दी गई है और ये 10 मीटर केबल RG6 का ही है। इस केबल को कटर की मदद से हमें इसी तरह काट लेना है और इस तार को बाहर निकाल देना है और यहाँ हमें थोड़ा सा जाली वाला तार है वो निकाल देना है इसी तरह। दोस्तों ये तार कट नहीं होना चाहिए, अगर कट गया तो हमारा प्रॉपर सिग्नल नहीं आएगा और नो सिग्नल का एरर बताई दे सकती है। तो इस कनेक्टर को हम इसी तरह प्रेस करके लगाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो इसको हमें रिजोल्यूशन सिलेक्ट करनी है 1080। यहाँ हमें ओके बटन प्रेस करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। दोस्तों यहाँ हमें सैटेलाइट और TP सिलेक्ट करना है, ACS 7 TP 11 और यह सिग्नल स्ट्रेंथ 85 और सिग्नल क्वालिटी 14 बता रहा है और सिलेक्ट बटन प्रेस करके आगे हमें जाना है। दोस्तों देखो, यहाँ इसी तरह इंटरफेस दिखाई दे सकता है और यह चैनल भी चालू हो गई है। तो दोस्तों इसी तरह एयरटेल DTH का फुल इंस्टॉलेशन करते ही, अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।